महेंद्रगढ़ के एसडीएम दिनेश ने सब्जी मंडी पहुंचकर रेहड़ी पर सब्जी बेचने वालों को नजदीक दूरी खुली जगह सब्जी बेचने के दिए निर्देश। महेंद्रगढ़ में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एसडीएम दिनेश ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों का निरीक्षण करते हुए सब्जी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधान को साथ लेकर छोटे दुकानदारों व रेहड़ी पर सब्जी बेचने वालों की मीटिंग लेकर उन्हें आदेश दिए हैं कि आज से आप यहां सकड़ी जगह की बजाय सब्जी मंडी के पिछले नई सब्जी मंडी की साइड पर रेहड़ी लगाकर व छोटी दुकानें लगाकर वहां खुले में सब्जी को बेचें, जिससे डिस्टेंसिंग मैनेजमेंट हो सके और इस महामारी से बचा जा सके। इस पर प्रधान सहित सभी सब्जी मंडी विक्रेताओं ने सहमति जता वहां सब्जी बेचने की बात कही। देखो जी, मानना तो 100% करेंगे, 1000% करेंगे। सब्जी मंडी पहले भी बंद करी है, सहयोग करा है, हमने पहले भी शिफ्ट कर दी थी आगे मंडी उधरपल्ली साइड में, और अब भी अब जो टीन साइड हमारी नई मंडी बन के तैयार हुई है ना, उसके अंदर हम शिफ्ट करेंगे। जिस प्रकार से आड़त की जो सुबह बोलियाँ लगती है उसमें आड़त वगैरह सारी यहीं रहेगी, सिर्फ मांसाखोर और रेहड़ी वाले हैं ना, उनको हम शिफ्ट करेंगे। आड़ती की कोई टाइम निश्चित किया हो कि सुबह 7 बजे? ऐसा आज इनको गवर्नमेंट ने शाम को तो 6 बजे का करी थी, आज की डेट में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है। बाकी हमारा तो 2 घंटे का काम रहता है, सुबह सुबह आड़ते हुए जमींदार का माल आता है, सुबह सुबह मिल जाता है, 8-9 बजे बाद जमींदार आड़ती को फारिग हो जाते हैं। तो क्या इन व्यवस्थाओं के बाद आप सब्जी मंडी के अंदर कोरोना की रोकथाम को कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, सैनिटाइजर करवाएंगे, मंडी की छुट्टियाँ भी रखवाएंगे हम बीच बीच में, जैसा समीकरण बनेगा उस। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना विकराल रूप के साथ लौटा है और मानव जीवन संकट में है, तो हम एहतियातन तौर पे जो भी हम कर सकते हैं कोशिशें वो कर रहे हैं ताकि कोरोना की रोकथाम की जा सके। इनको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह से इनके लिए स्थान निर्धारित कर दिया है, 5-5-6 फीट का गैप दे के और इनको बिठाएंगे, और कल से भीड़ को भी नियंत्रित किया जाएगा और मंडी को सुचारू रूप से और चलाने का वो। सर, जैसे कि हरियाणा सरकार ने निर्देश पारित किए शाम 6 बजे के बाद बाजार बंद होंगे, उसको लेकर किस प्रकार से पालना करके आपने ड्यूटियां लगाई हैं? उसको लेकर अभी बैठक हमने की है और ये पालना सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि मानव जीवन से आगे कुछ भी नहीं है। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।